नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं, देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां के सगोल कांगजई, थांगता, यूबी लाकपी, मुकना और हियांग तानवा जैसे स्वदेशी खेल अपने आप में बहुत आकर्षक है। जैसे जब हम मणिपुर के उल लावी को देखते हैं तो हमें उसमें कबड्डी की झलक दिखती है। यहां का हियांग तानवा केरला की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यानी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। अकेले कोई खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करके फिटनेस तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उसका लगातार खेलना भी जरूरी है। इसलिए स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए, ये बहुत आवश्यक होता है। इससे खिलाड़ियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खेल मंत्री के तौर पर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी खेल प्रतिभा की अनदेखी न हो। साथियों, अपने देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। खेलो इंडिया स्कीम ने जिला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बेहतर किया है, लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आज नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहा है वो भी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं आज पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है। इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने वाले समय में देश भर के युवाओं को नए अवसर देगी। खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। नॉर्थ ईस्ट के हर जिले से कम 2 खेलो इंडिया सेंटर और हर राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जा रही है। ये प्रयास खेल जगत में एक नए भारत की बुनियाद बनेंगे, देश को एक नई पहचान देंगे।